हाय गाइस, प्रोग्राम है राइट प्रोग्राम टू स्टोर 10 नंबर्स एंड प्रिंट देम यूजिंग एरे। यानी कि एरे का यूज़ करके हमें 10 नंबर्स को पहले यूजर से इनपुट लेना है और उसको आउटपुट में दिखाना है कि उसी न 10 नंबर्स को हमें आउटपुट में शो करवाना है यूज़र के स्क्रीन पर। ओके, बहुत ईजी सा प्रोग्राम है। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। पहले कोड समझ लेते हैं, कोड्स के साथ हम लोग इसका लॉजिक भी समझेंगे और कैसे इंप्लीमेंट किया गया है उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने इंटीजर डेटा टाइप लिया है जिसमें मैंने एक एरे क्रिएट किया है ए नाम का। ओके, जिसका सबस्क्रिप्ट 10 यानी कि 0 to 10। अगर इसका लोकेशन देखा जाए तो A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 यानी कि A0 से स्टार्ट होकर A10 तक इसका लोकेशन क्रिएट होगा एरे, जिसमें हम लोग कुल मिलाकर 11 डिजिट्स स्टोर कर सकते हैं। ओके, आई एक वेरिएबल लिया है मैंने ताकि लूप हम लोग चला सकें इसके थ्रू। ठीक है, प्रिंट एप फंक्शन के थ्रू यूजर की स्क्रीन पर ये शो होगा इंटर 10 नंबर्स, जिससे कि वो समझेगा कि हाँ मुझे 10 नंबर्स इंटर करने हैं। ओके, देन फोर लूप का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। फोर लूप का यूज़ करके मैंने यहाँ नंबर्स स्टोर किए हैं एरे में। ओके, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे स्टोर हुआ है ताकि हमारा लॉजिक जो हो क्लियर हो जाए। ओके, इसलिए देखते हैं। पहली बार जब लूप चलेगा तो ये आई इक्वल ज़ीरो रहेगा और ये लूप तब तक चलेगा जब तक आई का वैल्यू ग्रेटर देन 10 नहीं हो जाता या फिर इक्वल 10 नहीं हो जाता, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है, आई लेस देन टेन है तो ये प्रोग्राम चलता रहेगा, यानी कि ये लूप चलता रहेगा। ओके, और जिस स्टेप पर आई इक्वल 10 या फिर आई ग्रेटर देन 10 हो जाएगा उस वक्त हमारा ये लूप बंद हो जाएगा। ओके, आई को मैंने इंक्रीज किया है इंक्रीमेंट ऑपरेटर से आई प्लस प्लस करके। तो चलिए, इसका जब यूज़र पहला इनपुट करता है तो वह कहाँ स्टोर होता है, कैसे स्टोर होता है। देखिए, आई का वैल्यू ज़ीरो है यानी कि ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि ये एक स्टेटमेंट, ये जो फंक्शन है ये क्या होगा, सॉरी, ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। जब एग्जीक्यूट होगा तो ये होगा A0 फर्स्ट लूप। ओके, आई का वैल्यू कितना है हमारा, ज़ीरो। तो यहाँ आई का वैल्यू ज़ीरो आ जाएगा, आई का वैल्यू ज़ीरो आ गया और यहाँ हम एक यूज़र ने एक नंबर इनपुट किया 11 मान लीजिए, ये इनपुट किया। ओके, तो ये स्टोर हो गया कहाँ, A0 में। सेकेंड टाइम ये लूप चलेगा तो इंक्रीज हो जाएगा, जीरो से क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। आई का वैल्यू अब क्या है, वन है, तो ये कंडीशन अभी भी ट्रू है यानी कि आई लेस देन टेन है, हाँ है, तो ये लाइन रन करो, ये प्रोग्राम इसको कहेगा। तो ये A1 में जाकर एक और नंबर स्टोर हो सकता है, ये नंबर मान लीजिए कि यूज़र ने इनपुट किया है 12। ओके, इसी तरह ये तीसरी बार रन करेगा, जीरो एक बार रन किया, एक बार वन से रन किया, फिर वन से इंक्रीज होकर जब तीसरी बार रन करेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा आई का वैल्यू और यहाँ A2 में एक और नंबर स्टोर होगा, A2 में एक और नंबर स्टोर हुआ मान लीजिए कि 13। इसी तरह A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 तक नंबर स्टोर होते जाएंगे जैसे जैसे यूज़र अपना नंबर इनपुट करता जाएगा, और इस तरह से टोटल 10 नंबर एरे में स्टोर हो जाएगा A0 से लेकर A9 तक। ओके, तो इस तरह से 10 डिजिट्स हमारे स्टोर हो चुके हैं एरे में। अब बारी है इनको प्रिंट करने की। ओके, तो आई होप कि स्टोर कैसे किया गया है वो समझ में आ गया होगा। हम लोग प्रिंट का लूप देखने की कैसे प्रिंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक प्रिंट एप के थ्रू एक मैसेज पहले स्क्रीन पर आएगा, यू इंटर्ड यानी कि आपने इंटर किया है। उसके बाद फोर लूप के थ्रू हम लोग वन बाय वन हर डिजिट को प्रिंट करेंगे। देखिए कैसे, जिस तरह से हम लोगों ने स्टोर किया था उसी तरह से हम लोग प्रिंट करेंगे। बस प्रिंट एप फंक्शन का यहाँ यूज़ किया गया और यहाँ स्कैन ऐप का यूज़ किया गया था स्टोर करने के लिए, यहाँ प्रिंट एप फंक्शन का यूज़ किया जा रहा है प्रिंट करने के लिए। ओके, तो ए पहली बार जब ये लूप चलेगा तो होगा A0। ओके, तो A0 में हमारा 11 स्टोर था तो ये 11 आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाएगा। उसके बाद फिर दोबारा रन करेगा तब आई का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो A1 में जो भी नंबर स्टोर होगा वह दिखाएगा यानी कि 12। इसी तरह A2 में जो होगा वो दिखाएगा, फिर A3 में, फिर A4, A5, A6, A7, A8, A9 में जितने भी नंबर्स हैं वन बाय वन सारे आपको मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरह से ये डाटा स्टोर हुआ एरे में और वही जो डाटा स्टोर हुआ उसी को हम लोगों ने प्रिंट किया। ओके,
चलिए इसको रन करके देखते हैं ये प्रोग्राम सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके पहले 10 नंबर इंटर करते हैं, चलिए 11, 12, 13, 15, 20, 22, 4, 5, 6, 7। देखिए यहाँ आपको सारे यू इंटर्ड 11, 12, ए जी, ये मान लीजिए ए ज़ीरो, ए ज़ीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स, ए सेवन, ए एट और ए नाइन। तो ये एरे में जैसा स्टोर हुआ था वैसा ही आपको प्रिंट दिख रहा है, आउटपुट दिख रहा है। ओके तो इस तरह से ये काम करता है। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।